तो हेलो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिक्विड अमोनियम और N2O4 के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम देखेंगे HF एंड BrF3, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, और अमोनिया के ऊपर भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन 4 मार्क का आया था। तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट का पार्ट 2 वीडियो है। तो हम फर्स्ट देखेंगे HF के बारे में, लिक्विड HF। ओके, जैसे कि लिक्विड HF का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है बिकॉज ड्यू टू पोलराइजेशन, बिकॉज हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है 2.1 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और 4.1। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए डिफरेंस ज़्यादा है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो इसका हम ऑटो आयनाइजेशन देखते कैसे होता है। ये ऑटो आयनाइजेशन इस तरह से होता है, HF डिसोशिएट होता है H2F प्लस में, साथ ही साथ HF2 माइनस। ओके, दिस इज योर ऑटो आयनाइजेशन। ये हमारा ऑटो आयनाइजेशन है ऑफ HF। तो जो स्पीशीज H2F प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी वो एसिड की तरह काम करेगी इन HF, और जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगी HF2 माइनस का वो बेस की तरह काम करेगी इन HF। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके रिलेटेड ऑटो आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिक्विड अमोनिया N2O4 में डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन, तो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट वाटर नहीं बनेगा और सॉल्वेंट बनेगा। ओके, एसिड बेस रिएक्शन, तो हमारा HClO4, लेट्स टेक हमारा नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस HF, आपको क्या मिलेगा, एक फ्लो H2NO3 प्लस मिलेगा प्लस H2F। H2F मिला मतलब भी एसिड की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली जो HClO4 होता है, H2SO4 होता है, वो भी एसिड की तरह काम करता है इन HF, तो आपको क्या मिलेगा, ओके H2F मिलेगा बाद में, नाइट्रिक एसिड की तरह सो बैठा। ये HF है, H2F, सॉरी, यहाँ पे मिलेगा H2NO3 प्लस HF2 माइनस, सॉरी, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फ्लो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन ले लेगा, यहाँ पे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये बेस की तरह काम करेगा। सिमिलरली ये जितने सारे हैं रिएजेंट वो भी आपके SO4 प्लस और HF2 माइनस, सॉरी फॉर दैट, ये आपका HClO4 भी बेस की तरह काम करता है और एज सल्फ्रिक एसिड भी बेस की तरह काम करता है HF। भले हमको पता है कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड जनरली वाटर में एसिड की तरह काम करते हैं, बट यहाँ पे ये HF2 माइनस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से HF2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो HF2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मतलब जो सामने वाला कंपाउंड होगा सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करने वाला, वो बेस की तरह काम करता है। तो याद रखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद भी ये HF में बेस की तरह काम कर रहे हैं, तो बेस अगर परक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड है तो HF आपका एसिड होगा। ओके, HF आपका एसिड होगा, तो ये चीज़ को याद रखिए। साथ ही साथ अगर हम इसको एसिडिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे C3COH प्लस HF, तो आपको क्या मिलेगा, CH3COO प्लस HF2। तो एसिड जनरली, ये भी एसिडिक एसिड पानी में होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये बेस की तरह काम करता है बिकॉज यहाँ पे HF2 जनरेट करता है, तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्लोरिक एसिड बेस की तरह काम करता है, बट पर क्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है HF में जो H2F भी देता है और HF2 माइनस, तो ये यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। मतलब आपका HClO4 एक ऐसा एसिड है जो एम्फोटेरिक होता है, ये चीज़ याद रखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक इन नेचर। बाकी जितने भी एसिड है अदर देन HClO4 एक्ट एज अ बेस इन HF। ओके, तो HClO4 का नेचर क्या होता है, एम्फीटोरिक, तो एसिड की तरह काम भी करता है और बेस की तरह भी काम करता है, ये आपको दिमाग में सब इंपॉर्टेंट है HF के रिलेटेड। नेक्स्ट और रिएक्शन क्या होती है, अगर आप आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड रिएक्ट कर रहे हो HF के साथ, तो आपको एक फ्लोरिनेटिंग, तो HF जनरली एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है अगर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो।
आपको क्या मिलेगा, H2F+। ओके, तो H2F+ मतलब ही एसिड की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड रिएक्ट कर रहा हूँ HF में, तो आपको क्या मिलेगा, एंटीमनी हेक्साफ्लोराइड माइनस प्लस H2F, तो ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे एजेंट। ओके, सिमिलरली BF3 के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ HF, तो आपको क्या मिलेगा, BF4-। और जनरली बोरॉन के ऊपर एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो एक्सेप्ट करके वो BF4, जैसे BH4- बनाता है, हाँ बोरोहाइड्राइड बनाता है, वैसे BF4- भी बनाता है। इससे क्या मिलेगा आपका H2F, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको दो HF लिखना पड़ेगा। सिमिलरली टिन टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट करता है HF के साथ और आपको मिलता है टिन हेक्साफ्लोराइड 2- और आपको H2F। मतलब यहाँ पे जनरली रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शन ही हो रही है, ये भी सब एसिड की तरह काम कर रहे हैं, सॉरी H2F+ होना चाहिए, H2F, तो ये सब एसिड की तरह काम कर रहे हैं और ये HF आपका बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम जनरली बोलते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। तो फ्लोरिन ऐड कर रहा है ओरिजिनल कंपाउंड में, ये आपका ओरिजिनल कंपाउंड होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं रिएक्शन के बाद फ्लोरिन ऐड हो रहा है, तो HF एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन इसमें होगी ये वाली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन में अगर आपका सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है NaF2 इन प्रेजेंस ऑफ HF, तो आपको मिलता है निकल सल्फेट प्लस सोडियम फ्लोराइड। सिमिलरली NaClO4 रिएक्ट करेगा टैंटलम फ्लोराइड के साथ इन HF, आपको मिलेगा टैंटलम परक्लोरेट प्लस NaF। ओके, NaF का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट इसका निकल सल्फेट का PPT मिलेगा, इन दोनों का PPT मिलेगा। ओके, जो मेटल है उसका PPT मिलेगा। सिमिलरली अगर सिल्वर नाइट्रेट है प्लस BF3 अगर आप ले रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ HF, तो क्या मिलेगा आपको, सिल्वर BF4। ओके, फ्लोरिन के ऊपर एक नेगेटिव, BF4- ए पॉजिटिव। ओके, इसका PPD बनेगा, साथ ही साथ आपको H2NO3F मिलेगा, ये अलग स्पीशीज है, इसको याद रखिए, यहाँ पे भी BF4- बन रहा है। ओके, सिमिलरली थर्ड रिएक्शन होती है जिसको हमने लिक्विड अमोनिया में देखा था, प्रोटोलाइसिस, मतलब प्रोटॉन की रिलेटेड, प्रोटॉन एक्सचेंज की बात होती है। अगर आपका बेंजीन है, ये भी रिएक्ट करता है HF के साथ, तो क्या होगा, इसका C6H7 प्लस F-, मतलब इसने प्रोटॉन डोनेशन किया HF ने। ओके, जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड की तरह काम करेगा। ओके, प्रोटॉन डोनेट बेस की तरह काम करेगा, इसका आप HF2- बाद में हो सकता है HF के साथ ट्रीट करोगे HF2-, तो HF2- मतलब ये बेस की तरह, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो एसिड की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर अल्कोहल है हमारा ETOH HF में, वो भी प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, लोन पेयर है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके आपको HF2, मतलब अल्कोहल जनरली न्यूट्रल माना जाता है, अल्कोहल जनरली न्यूट्रल होते हैं, बट यहाँ पे HF में वो बेस की तरह काम करता है। ओके, तो फोर्थ है ये सॉल्वेट फॉर्मेशन भी देता है। सॉल्वेट फॉर्मेशन मतलब जस्ट HF जाके वहाँ पे ऐड हो जाता है, जैसे KF के साथ हो सकता है या फिर अमोनियम फ्लोराइड के साथ भी ये सॉल्वेट बनाता है। सॉल्वेट मतलब जस्ट ऐड जाके यहाँ पे ये KF HF एज अ ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली आपका जो ये एसिड होता है, एक और एसिड होता है HSO3F प्लस HF के साथ ट्रीट करोगे तो आपको SO3F- प्लस H2F, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ओके, ये नथिंग बट आप इसको देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड के एनालॉग ही है। ओके, जहाँ पे एक OH- निकाल के एक OH निकाल दिया है और आपको फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस थी HF के बारे में, इंपॉर्टेंट है स्पेशली जो फ्लोरीन वाली जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, ये वाली रिएक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्लोरिनेटिंग रिएजेंट्स के साथ है। ये वाली दिस रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जो एंटीमनी और आर्सेनिक का रहता है वो जनरली यूज़ किया जाता है स्ट्रॉन्गर एसिड बनाने के लिए, बिकॉज ये एसिड की तरह काम कर रहे हैं, तो इनको H2F+ तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन HF के साथ जो फ्लोराइड्स बनाते हैं। जनरली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कैसे फ्लोराइड्स बनते हैं इन केस ऑफ HF। ओके,
तो नेक्स्ट सॉल्वेंट देखते हैं, जो भी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आया है, BrF3। ओके, तो BrF3 का ऑटो आयनाइजेशन इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, BrF2 प्लस प्लस BrF4 माइनस। अगर ये स्पीशीज का इंक्रीज होगा तो ये एसिड की तरह काम करेगा, कौन सॉल्यूट, और ये बेस की तरह काम करेगा, ना कि ये सिस्टम। जो इंक्रीज करेगा BrF2+ का कॉन्सेंट्रेशन वो एसिड की तरह काम करेगा, जो इंक्रीज करेगा BrF4- का कॉन्सेंट्रेशन वो बेस की तरह काम करेगा। ओके, ये हम लोग ने अभी अभी तक लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में ही देख रहे हैं। इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं। अगर KF रिएक्ट करता है BrF3 के साथ, आपको मिलता है BrF4- + K+। ओके, तो KF किस तरह काम कर रहा है, KF बेस की तरह काम कर रहा है, पोटेशियम फ्लोराइड। सिमिलरली हम एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड रिएक्ट करते हैं BrF3 के साथ, तो आपको मिलेगा BrF2+ एंटीमनी F6-। तो ये भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, BrF3 मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, बिकॉज आपका BrF2+ जनरेट हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मतलब ये BR एंटीमनी पेंटा फ्लोराइड एसिड की तरह काम कर रहा है और बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, और ये एंटीमनी हेक्सा क्लोराइड, ओके एंटीमनी हेक्सा फ्लोराइड, नॉट क्लोराइड, हेक्सा फ्लोराइड। सिमिलरली आप टीन टेट्रा फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो BrF3 भी एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, BrF2+। ओके, सिमिलरली आपका गोल्ड होगा, वो भी अगर आप रिएक्ट करते हो BrF3 के साथ, तो आपको AuF4- मिलेगा BrF3+। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है, ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है। अगर लेट्स सी, हमारा सिल्वर और एंटीमनी हम लेते हैं BrF3 में, तो आपको इस तरह से स्पीशीज मिलेगी F6। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे +1। ओके, न्यूट्रल करने के लिए, तो BrF3 फ्लोरिनेटिंग कर रहा है, किसको फ्लोरिनेट कर रहा है, एंटीमनी को। ओके, सिमिलरली अगर KCl और टिन के साथ रिएक्ट करते हो BrF3 को, तो क्या करेगा ये K2SnF4, K2SnF4 मतलब टिन को ये फ्लोरिनेट कर देगा, ना कि पोटेशियम को। अगर सिल्वर और गोल्ड लेते हो एक साथ और BrF3 के साथ रिएक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड के साथ ही गोल्ड को फ्लोरिनेट कर देगा। ओके, गोल्ड को फ्लोरिनेट कर देगा। सिमिलरली रुदेनियम प्लस KCl रिएक्ट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रुदेनियम F6 और K+। तो ये रुदेनियम को करता है। तो देखिए, जनरली अल्कली मेटल्स को, रुदेनियम अल्कली मेटल्स है, फिर भी ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है और पी ब्लॉक है, उनको जनरली ये फ्लोरिनेट करता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें हम सोडियम फ्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं BrF3 के साथ, अगर यहाँ पे क्या बचेगा, BrF4 ही बन जाएगा सीधा, माइनस और Na+। ओके, तो यहाँ पे इसको नहीं फ्लोरिनेट कर देगा, सीधा BrF4 यहाँ से लेके BrF4-। तो ये किस तरह एक्ट कर रहा है, ये आपको क्या जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज, तो ये बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, बेस की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, BrF2 SbF6 रिएक्ट करते हो और सिल्वर BrF4, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, सिल्वर SbF6 बनेगा प्लस BrF3। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमिलरली अगर इसको आप BrF2 ले रहे हो, BrF2 प्लस टिन, टिन का प्रोडक्ट ले रहे हो, पोटेशियम BrF4, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट आपका K2 टिन F6 प्लस Br3। यहाँ पे देखिए, ऐसे वाली रिएक्शंस में जहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप रिएजेंट है, तो इसमें आपको आपका एक सॉल्वेंट जनरेट हो रहा है, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस थी BrF3 की, जो जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है और आते ही ऐसे टाइप के क्वेश्चन, कौन से एसिड की तरह काम करते हैं, कौन से बेस की तरह काम करते हैं, तो इससे आप गो थ्रू कर लिए, स्पेशली ये वाली रिएक्शंस जो स्टार्टिंग मैंने बताई थी, ये वाले सब रिएक्शंस, एंटीमनी टिन के साथ रिएक्शंस जो भी होते हैं, ये वाले रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सब रिएक्शंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी। ओके,
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।